नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटॉमी नेटवर्क टीम वारियर में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमी में टीम स्ट्रक्चर कैसे देखें एटॉमी इंडिया की वेबसाइट के ऊपर। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है आज की। atomy.com/in ये वेबसाइट है, ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं वेबसाइट। अगर आप एटॉमी में काम कर रहे हो और काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो एटॉमी इंडिया की वेबसाइट पे आज 12 अगस्त से आप अपनी लीनेज देख सकते हैं। लीनेज का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आप अपनी स्ट्रक्चर एटॉमी के अंदर देख। तो सबसे पहले तो आपको जो एग्जैक्ट वेबसाइट है वो पता होना चाहिए, atomy.com/in। और ये जो वेबसाइट है ये एटॉमी इंडिया की वेबसाइट है। और जैसा कि स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे, सेंटर के अंदर कुछ एटॉमी इंडिया का जो नोटिस है इसके ऊपर बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रखा है, ये एटॉमी की वेबसाइट है atomy.com/in। तो इस वेबसाइट के ऊपर आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। ओके, उसके बाद जैसे आप लॉगिन करोगे तो आगे का जो फर्दर प्रोसेस है वो आपको हम बताएंगे। और इस प्रकार से जो नोटिस है एटॉमी इंडिया का, जो नोटिस है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, वो एटॉमी के होम पेज पे ऑलरेडी दिखा रखा है। एटॉमी इंडिया वेबसाइट पर लीनेज को देखने के लिए ऑप्शन कर दिया गया है, यानी कि 12 अगस्त से आप एटॉमी इंडिया की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो डाटा माइग्रेशन का काम चल रहा था काफ़ी टाइम से, वो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, और कुछ पेंडिंग है। ओके, और वो चलता रहेगा थोड़ा। और अभी आज से आप एटॉमी इंडिया की वेबसाइट पे, अगर आपने यहाँ पे टीम बना रखी है, तो आप अपनी टीम की स्ट्रक्चर देख सकते हो। लॉगिन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपना एटॉमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, यानी कि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको डालना है। अगर आपकी आईडी की केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पे आप लॉगिन कर पाओगे। अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको पहले केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे लॉगिन कर पाओगे। एडिट माई अकाउंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है आपको, टीम की स्ट्रक्चर देखने के लिए, आपका टीम साइज़ देखने के लिए। जैसे आप एडिट माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से राइट साइड में लीनेज का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। और लीनेज के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सेटिंग में कुछ ऑप्शंस हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं। मेंबर वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन डेट, आपके किस मेंबर का वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, और रजिस्ट्रेशन डेट क्या है उसके, किस तारीख को उसका रजिस्ट्रेशन एटॉमी के अंदर हुआ था। तो मेंबर वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन का जो बॉक्स है इसके ऊपर हमने क्लिक किया और कन्फर्म किया। जैसे कन्फर्म करेंगे तो जो भी आईडी आए हैं उसके नीचे यहाँ पे दिखाई देगा वेरीफाइड और अनवेरीफाइड। ओके, तो लाइक दैट आप चेक कर सकते हैं मेंबर की आईडी वेरीफाई नहीं हुई है। ओके,